हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर मास्क और मेरे इस व्लॉग में आपका स्वागत है। दरअसल कल मैं व्लॉग नहीं बना सका, मैं थोड़ा बिजी था, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा बड़ा व्लॉग बनाऊं ताकि आप लोगों को भी थोड़ा टाइम दे सकूं। बाकी ये था कि परसों बहुत ज़्यादा बारिश हुई रात में, तो मोबाइल भी चार्ज नहीं था, वरना मैं आपको उनके शायद उसके भी क्लिप आपको मैं शो करता। अभी तो देखें, सर्दियों की जो धूप होती है ना, उसका मज़ा ही अपना अलग होता है। बाकी बेहतरीन धूप हो रही है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। ऐसे मौसम में बंदा ऊपर छत पे आए या बाहर घूमे कोई इशू नहीं होता। स्पेशली हम तो क्रिकेट लवर हैं, तो क्रिकेट के टाइम पे ये बिल्कुल बेहतरीन मौसम होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में ही बताया था, अपने क्रिकेट वाले व्लॉग में, तो उसमें भी काफ़ी बेहतरीन मज़ा आ गया था वाकई। अच्छा जी गाइस, अब हम ऊपर जा रहे हैं अपने स्टेयर्स के ज़रिए। अब हम आपको मिलाएंगे अपने छोटे शैतान से, जिसे हमने सेकंड व्लॉग में भी दिखाया था आपको। थोड़ा सा उसकी भी हम झलक दिखाएंगे आपको। कहाँ है भाई हमारा छोटा शैतान, आ जाओ। वेयर आर यू? एंड अभी आपको नज़र आएगा, वो देखें खुद ही बाहर आएगा, वो खुद ही जाली पे आएगा वो, क्योंकि हम मैं जानता हूँ उसे, वो शैतान है। ये देखें आ गया, और ये देखें इसकी हरकतें, देखें ये करता है मस्ती है, इसकी आदत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखें ये जैसे मैं करूँगा ना, ये वैसे ही कॉपी करता है जब इसको शैतान बोलता हूँ। तो देखें गाइस, अभी करेगा बिल्कुल जैसे मैंने गर्दन लगाई ना। ये देखें ये करता है, मिमिक करता है, इसकी आदत है ये। वो छोटे शैतान से मिलाया था जो बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करता है, जैसे मैंने आपको देखा, आपका आवाज़ भी आई उसकी। देखा ये करता है, ये बहुत शैतान है, कॉपी करता है आपको। और अपने साथ किसी और को नहीं रखता, सिंगल है ये, तो कोई ज़्यादा ये बर्दाश्त नहीं करता किसी। इसकी आदत है अकेले रहने की, तो ये इसलिए हम इसको शैतान बोलते हैं कि दूसरे को फिर ये मारता है, कोई दूसरा है उसके पिंजरे में जाए, इसलिए इसकी आदत ही ऐसी। बाकी ये था कि आज जगह जगह पानी भरा हुआ है, तो मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल इंडोर ही बनाऊं, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पानी तकरीबन भरता है। पाकिस्तान में आपको पता है रोड्स की हालत कैसी है, ये सिचुएशन ऐसी ही है इनकी, तो ये ऐसी ही रहती है। तो ज़्यादातर मैं यही कोशिश करता हूँ कि इंडोर ही बनाऊँ, क्योंकि अभी हालात ही इतने ख़राब हुए हैं, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ, गंदा पानी। जब तक वो साफ़ नहीं होता, जब तक तो मैं कोशिश ये करूँगा इंडोर ही बनाऊँ। उसके बाद मैंने निकलना है, दो तीन टूर करने हैं, तो वहाँ मैं आपको दिखाऊँगा स्पेशली पाकिस्तान में जो खूबसूरती जिसे बोलते हैं ना पाकिस्तान में लैंडस्केप, वो मैं आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह, वो बिल्कुल आपको पसंद आएगी। ये देखें भाई, सोलर पैनल की बारिश। ऐसे सोलर पैनल हों तो फिर ज़रूरत है नहीं अब आपदा की, आपदा की किसी की ज़रूरत है। सर मुझे लग रहा है सिर्फ बातें ही बातें होंगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं करने को, सब घरों में ही है। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि ज़्यादा आपको बोर ना करूँ, कुछ नए नई चीज़ें मैं इंट्रोड्यूस करता रहूँगा टाइम टू टाइम। ये है हमारा ओल्ड स्कूल गीज़र, जिसे कहते हैं पुराने ज़माने का है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी ख़ास बात यही है कि इसकी सबसे बड़ा टैंक लगा हुआ है इसमें, और ये भी वर्किंग कंडीशन में, इसकी हालत पे ना जाएं, बिल्कुल 100% काम कर रहा है ये। बाकी दिखने में ऐसे ही है कि हालत ख़राब है इसकी, लेकिन ये बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। सबसे अच्छी बात है इसका टैंक बहुत बड़ा है, कि दो तीन बंदे आराम से वन बाय वन एक एक करके आराम से नहा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, पानी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। बाकी ये है कि जो दूसरे जो आते हैं ना इलेक्ट्रिक गीज़र, उनसे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है ये इस ख़ास तौर पे, क्योंकि जो वो आते हैं उसमें बड़ा इंस्टेंट हीटिंग सिस्टम होता है। नो डाउट कि इंस्टेंट हीटिंग सही है वो, लेकिन वो सिर्फ एक फ़र्द के लिए, वो फैमिली के लिए सही नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी पानी उसमें ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटे टैंक लगा हुआ होता है उसमें, यही इसका सबसे बड़ा इशू है। लेकिन ये जो है, इनमें इतने बड़े टैंक लगे हुए होते हैं कि आराम से पूरी फैमिली आराम से काम चल जाता है, कि आप तीन बंदे नहा लें, उसके बाद कुछ टाइम बाद आप उसको थोड़ा टाइम दें, एक आध घंटा,
फिर ये दोबारा फिर रेडी है, फिर आराम से आप 2-3 बंदे फिर नहा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा आराम से। अच्छा, ये थोड़ा सा एक छोटा सा क्लिप है मैंने ऐड कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे कबूतर बहुत प्यारे लग रहे थे उड़ते हुए एक साथ झुंड के। जरा ये ख़ास तौर पर सर्दियों में तो इनका सीज़न होता है ये, जैसे कि आपको पता है कि ये पुरानी वीडियो का जो क्लिप है मेरे लास्ट ब्लॉग का, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों ने मेरा लास्ट ब्लॉग ना देखा हो। तो हम गए थे ग्राउंड थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए गए थे, लेकिन संडे को हमारा मैच था, लेकिन क्योंकि जो वो हो नहीं सका क्योंकि बारिश की वजह से सब जगह पानी भर गया था। तो ये उस प्रैक्टिस की वीडियो है जो मैंने इसमें ऐड की है। इसमें ये था कि हम बस प्रैक्टिस करने के लिए गए थे और खुशनसीबी से हमें पूरी टर्फ खाली मिल गई थी, हमने दोनों साइड विकेट लगा के प्रैक्टिस करने लग गए थे और मौसम भी बहुत प्यारा था। आपको पता है सर्दियों की स्टार्टिंग का मौसम कितना प्यारा होता है क्रिकेट के लिए। बस इसमें यही था कि बस बैट बॉलिंग कर रहे थे और बेचारे फील्डर्स की हालत ख़राब कर रहे थे। ये देखें, ये गया शॉट, अब वो बेचारा फील्डर भागेगा, वो देखेंगे यार। यही था बेचारे फील्डर, और अब एक फील्डर ख्वारी कर रहा और एक फील्डर की भी है, अभी आपको बताऊंगा। ये देखें कितना प्यारा वो कैच लेगा, ये देखें, एक ने ऐसी फील्डिंग की और एक ने इतनी बेहतरीन। ये हम पाकिस्तानियों की खासियत है, कभी कंसिस्टेंट नहीं रहते, सरप्राइज़ करते रहते हैं खुद को भी और सामने वाले अपोनेंट को भी। इसलिए पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऑन अ डे वो इजीली मैच जीत भी सकते हैं, वो बहुत इजी मैच भी हार सकते हैं। ये पाकिस्तान, दिस इज़ पाकिस्तान फॉर यू। बाकी ये है कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर मेरी वो बैटिंग आने थी और हमारे दोस्त इतने प्यारे हैं कि वो कैमरा होल्ड करते नहीं हैं। तो बस मैं वेट कर रहा था अपनी बारी का कि थोड़ी देर बाद मैं भी जाऊँ। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोग क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, क्या हैं। ये देखें कितना बेहतरीन कैच लिया है। बस यही था, ठीक है, ये था मेरा घर, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ न्यू ट्राई करूँ। तो मैंने अभी कमेंट्स भी ऑन करते हैं, तो उसमें मुझे आपकी राय जानना है कि क्या क्या कंटेंट मैं इसमें ऐड करूँ। आई एम न्यू इन दिस बट आई विल गेट इम्प्रूव डे बाय डे, सो प्लीज़ हेल्प मी आउट एंड सपोर्ट मी, लाइक एंड शेयर प्लीज़, एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।